हेलो दोस्तों, क्या आपका घुटना सीधा नहीं होता और बैंड रहता है और आपको जानना है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा घुटना पूरा सीधा नहीं होता? यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर घुटना सीधा क्यों नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, घुटना हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये अपने आपको नीचे बैठने में मदद करता है, चलने फिरने में मदद करता है, रनिंग में मदद करता है। जब आप सीधा लेटते हैं तो घुटने का पूरा सीधा होना ज़रूरी है। जब आप चलते हैं तब भी घुटने का पूरा सीधा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घुटना मोड़ के चलते हैं तो मसल्स पे काफ़ी लोड चल पड़ता है और उससे आप प्रॉपरली चल नहीं पाते। तो आखिर घुटना मुड़ा हुआ क्यों रह जाता है? इसके 4 या 5 प्रमुख कारण हैं दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे प्रमुख कारण है साइनोवाइटिस। अगर घुटने के अंदर जो घुटने की लेयरिंग है उसको साइनोवियम कहा जाता है। अगर साइनोवाइटिस है, साइनोवियम का इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो घुटना सीधा नहीं होगा बल्कि 20 से 30 डिग्री मुड़ा रहेगा। ऐसे में जब आप चलेंगे तो आपकी चाल में एक लंच दिखेगा, एक लिम्पिंग दिखेगी और आप पूरा वेट बॉडी का सीधा नहीं रह पाएंगे। आप इसकी तुलना एक ऐसे बांस से कर सकते हैं जो कि झुका हुआ है, तो जब झुका हुआ बांस होगा अगर आप उस पर वेट डालेंगे तो वो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जो झुका हुआ घुटना होता है उस पर बॉडी वेट प्रॉपरली नहीं आ पाता। साइनोवाइटिस के अलावा दूसरा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से घुटना मुड़ा हुआ रह सकता है, और वो रीज़न है लूज़ बॉडी। अगर घुटने में कोई पत्थर का टुकड़ा है या पथरी है और जिसकी वजह से कि घुटना फंस गया है और सीधा नहीं हो पा रहा, तो इसे लूज़ बॉडी या लॉक नी कहते हैं दोस्तों। लॉक नी का एक प्रमुख कारण हो सकता है मेनिस्कस टियर, या फिर हो सकता है कि कोई बोन का टुकड़ा या कार्टिलेज का टुकड़ा या ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट हो जो घुटने को सीधा नहीं होने दे रहा हो। इस वजह से भी घुटना टेढ़ा रहता है और सीधा नहीं होता। घुटने का सीधा होने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है ऐसे केसेस में कि आप दूरबीन द्वारा या तो मेनिस्कस को रिपेयर कर दें या फिर जो लूज़ बॉडी है उसको निकाल दें। लूज़ बॉडी निकाल देंगे तो घुटने का अटकना बंद हो जाएगा और घुटना पूरा सीधा होने लग जाएगा। कभी कभी दोस्तों, चोट के बाद जब आप ऑपरेशन कराते हैं उसकी वजह से पटेला नीचे की बोन फीमर से चिपक जाता है और इसकी वजह से भी घुटना पूरा सीधा नहीं होता, जिसे रेट्रो पटेलर अधेजेंस कहते हैं। इसके लिए दूरबीन द्वारा हम अंदर से अधेजेंस को हटा देते हैं और उसके द्वारा नी पूरे की तरह सीधा होने लग जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा चौथा कारण जिसकी वजह से कि घुटना मुड़ा हुआ रह सकता है, इसे कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी या फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और ये हो सकता है घुटने में आर्थराइटिस की वजह से। घुटने में जब कार्टिलेज पूरी ख़त्म हो जाती है तो उसे आर्थराइटिस बीमारी कहते हैं दोस्तों। अब कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है तो घुटने का जो मूवमेंट है वो पेनफुल हो जाता है। ऐसे में घुटना अपनी मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में जाना चाहता है ताकि दर्द कम से कम हो। इसके लिए घुटने को 30 डिग्री बैंड रखना पड़ता है। जब घुटना 30 डिग्री बैंड रहता है तो पेशेंट को दर्द कम होता है, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है और वो सीधा लेट भी नहीं पाता और उसको घुटने को बाहर की साइड झुकाकर उसके साथ लेटना पड़ता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। इसका इलाज तो नी रिप्लेसमेंट द्वारा ही किया जा सकता है। तो आपने इस वीडियो में संक्षिप्त में 5 कारण देखे, या तो साइनोवाइटिस या कार्टिलेज डैमेज या मेनिस्कस का बैकेट हैंडल टीयर या लूज बॉडी या आर्थराइटिस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव प्लेट की वजह से हो जाने वाले अधेजेंस। इन सब की वजह से घुटना मुड़ा हुआ रहता है और इन सब का प्रॉपर इलाज डायग्नोसिस के द्वारा संभव है और घुटने को पूरी तरह सीधा किया जा सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप मुड़े घुटने से चलते रहते हैं तो धीरे धीरे हड्डी सॉफ्ट होती जाती है और कार्टिलेज ख़राब होती जाती है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर घुटना मुड़ा हुआ रह रहा है तो जल्दी से जल्दी एक्सरे या MRI करवा कर इसका कारण पता करें और उसका इलाज कराएँ। अगर आपको आपके शहर में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करें। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए।